नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े तेज यूट्यूब न्यूज चैनल केडीपी न्यूज के अंदर। दोस्तों, अभी तुम्हारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कर। जैसे कि हम आपको बता दें, लखीमपुर खीरी नरसार में विरोध करते किसान मोर्चा में दशहरे रावण की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का आह्वान दिया गया है। इससे आह्वान पर देश के कई राज्य मोदी रूपी रावण का पुतला बना दिया है तथा उन्हें जला दिया गया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब इस कार्यक्रम को स्थगित करने का ऐलान किया है। संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि प्रधानमंत्री का पुतला 16 अक्टूबर को किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ऑफ किसान एकता मोर्चा ने संबंध के ट्वीट कर कहा है कि 15 तारीख को होने वाला कार्यक्रम अब 16 तारीख को रखा जाएगा। दरअसल रावण की जगह प्रधानमंत्री का मोदला फूकने से लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचने के बाद सामने आ रही है। नागरिकों की आस्था को ठेस न पहुंचने की संयुक्त किसान मोर्चा के बैठे कार्यक्रम की तिथि बदलाव का फैसला किया गया है। दरअसल यह है कि लखीमपुर खीरी नरसार में किसान के खिलाफ प्रदर्शन के किसान के रोष व्याप्त है। इस घटना के राकेश टिकत ने ऐलान किया ताकि दशहरे के रावण दिन में जगह मोदी और अमित शाह का पुतला दहन जगह जाएगा। देश भर में कई जगहों पर इस बार रावण की जगह मोदी शाह के बीजेपी नेताओं का पुतला बना गया है तथा उन्हें जलाया जाएगा। हालांकि आस्था को लेकर विवाद है कि इसलिए किसानों कि विजयादशमी मनाएंगे। बरहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे आज सुबह आज और रावण मोदी टैग हैशटैग ट्रेड कर रहा है। ट्विटर यूजर्स और हैशटैग के साथ पीएम मोदी के 10 शेर वाले रावण के पुतलों की तस्वीरें दलदले शेयर हो रही है। कुछ वीडियो सामने आए हैं कि जिनमें मोदी के पुतले जल रहे हैं, साथ में अमित शाह और किसी लोगों की यूपी सरकार ने बीजेपी नेताओं का पुतला दहन किया है। ऐसी और नोटिफिकेशन जानने के लिए आप अपने चैनल केडीपी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।